हे hey, हेलो, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ रंजन और यह है कंप्यूटर विजन की प्लेलिस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था हार कास्केड क्या होता है। ये एक बनी हुई एल्गोरिथम है जो हम इस मॉडल में यूज करेंगे और ये काफी सारे आईज, फेस, फीचर ये सब आइडेंटिफाई करने में काम आती है। तो मैंने आपको बता दिया था कि ये आप डाउनलोड करके एक फोल्डर में सेव कर लो, हार कास्केड नाम से फोल्डर सेव कर लो, उसमें ये सारी XML सेव कर लो। आज मैं दिखाता हूँ ये जो कोड आज हम करेंगे ना, ये कोड सिर्फ 5 लाइन का, और ये 5 लाइन में हमें डिटेक्ट करके दे देगा उस पर्सनालिटी का फेस कहाँ पे है। तो मैंने आपको ये चला के दिखाया, तो मैंने मार्क ज़करबर्ग का लगाया। तो आप देख रहे हो ये जो रेड लाइन है, ये इन्होंने हमें एक फेस की बाउंड्री करके दे दी है कि यहाँ पे उसका फेस है। तो मैं आपको दिखाया था, जैसे आप ये रेड लाइन है तो मैं इसमें आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे कलर चेंज हो गया, तो ये हमारी वाली ही बाउंड्री है। मैं इसकी थिकनेस बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, ये देखो थोड़ी, ये तो ये दिखा दिया इसने फेस कहाँ पे है। और इसी में हम आई डिटेक्ट भी करेंगे और फेस डिटेक्ट भी करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमें इसमें जो लाइब्रेरी यूज करनी है वो हमें करनी है ओपन सीवी, कंप्यूटर विजन करनी है, उसको बुलाएंगे हम CV2 नाम से। बट ये इंस्टॉल, जैसे ये लाइब्रेरी है पाइथन में, तो पाइथन में लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये पिप इंस्टॉल CV2 से नहीं होगी, ये होगी पिप इंस्टॉल ओपन CV-Python। तो जैसे कि हर कोई, जैसे CV2 होगा तो हर कोई पिप इंस्टॉल CV2 करने की ट्राई करेगा, बट वैसे नहीं होगी। ये आपको ऐसे करने पड़ेगी, पिप इंस्टॉल ओपन CV-Python, आप क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैं बताया था मैं अभी किस डायरेक्टरी में, ये डायरेक्टरी देखने के काम आता है। तो मेरे यहाँ पे मैंने हार कास्केड का एक फोल्डर बना रखा है, और हार कास्केड में मैंने अपनी सारी XML सेव कर रखी है, और मैंने एक इमेज का फोल्डर बना रखा है जिसमें मेरी सारी इमेज है जिनको मैंने डिटेक्ट करना है। तो अब ये देखो मेरा यहाँ पे हो गया। तो मैं यहाँ पे NumPy यूज कर लूंगा और CV2 को कॉल कर लूंगा। CV वही है कंप्यूटर विजन जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करी है। इसको इंस्टॉल करने के लिए OpenCV/Python डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक नया वो बना लूंगा, फेस फीचर कह लो या कुछ भी कह लो, ये मेरा एक फेस क्लासीफायर है। इस क्लासीफायर में क्या होगा, CV2 के अंदर एक फंक्शन होता है कैस्केड क्लासीफायर। जैसे कि मैंने बताया हम हार कास्केड क्लासीफायर यूज कर रहे हैं, तो हार कास्केड क्लासीफायर, जैसे मेरा ये फोल्डर है हार कास्केड, इसके अंदर एक XML फाइल है हार कास्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट जो मैंने यहाँ से डाउनलोड करी है, फ्रंटल फेस डिफॉल्ट। तो उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया इसमें, और फंक्शन के अंदर क्या है कैस्केड क्लासीफायर, वो किसके अंदर होता है CV2 के अंदर। तो मैंने इस पूरे क्लासीफायर को इसके अंदर बुला लिया है, फेस क्लासीफायर। तो मेरा फेस क्लासीफायर रेडी है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को एक इमेज लोड करनी है। अब यहाँ पे CV2 कंप्यूटर विजन के अंदर एक हमारा फंक्शन और मेथड होता है IAM read, तो मतलब ये इमेज रीड है, IAM मतलब इमेज रीड। तो याद करने का तरीका है CV2.IAM read, और आप यहाँ पे अपनी लोकेशन दे दोगे। जैसे हमारे पास ट्रम्प की फोटो है, तो मैं ट्रम्प की लोड कर रहा हूँ इसमें, इमेज में मैंने ट्रम्प की फोटो, तो अब ये यहाँ पे रन हो गया है। अब मेरे को अगर मैं चाहता हूँ इसकी इमेज देखना कि लोड हुई है या नहीं हुई है, जरूरी नहीं है, हो जाती है, बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ए के अंदर बुला लूंगा, और CV2 के अंदर एक और फंक्शन होता है IAM show, तो इमेज शो के अंदर क्या देना पड़ता है, एक वेरिएबल देना पड़ता है जिससे विंडो खुलेगी मेरी। जो विंडो खुलेगी उस विंडो का नाम क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं खुलती इमेज, यहाँ पे बड़े में खुलेगी। तो यहाँ पे इमेज का विंडो की उसका क्या नाम होगा, और दिखाना क्या आपको, दिखानी हमें इमेज जो हमने इसमें सेव कर रखी है। यहाँ पे ये रीड होगी, अब यहाँ पे हम शो कर रहे हैं इसको, और यहाँ पे मैं ए टाइप करके मतलब इमेज शो हो जाएगी। और ये जो होता है ना, ये होता है CV2 के अंदर होता है वेट की, मतलब कितने टाइम वेट करना है क्लोज होने के बाद, क्योंकि अगर मैं ये नहीं दूंगा ना तो ये इमेज खुली रह जाएगी और मुझे बंद करनी पड़ेगी, फिर ये कर्नल दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये देना जरूरी है कि मैं जैसे उसको क्लोज करूं वो क्लोज हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो ये हमारी इमेज खुल जाएगी, ये नीचे विंडो आ गई है यहाँ पे, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी खुल जाएगी विंडो। तो इस तरीके से मैं इसको क्लोज करूंगा, ये तभी क्लोज हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह कुछ और नंबर दूंगा तो इतनी देर बाद क्लोज होगी। तो मेन तो ये हमारा ये तभी, तो जस्ट आपको दिखा रहा था कि इमेज कैसे शो करेंगे। तो यहाँ पे ये इमेज रीड हो गई, इसमें चली गई है। इसके बाद हम एक नया वो बनाएंगे, हम यहाँ पे एक फेस बनाएंगे, ये हमें कोऑर्डिनेट्स देगा। अब हमें किस चीज की कोऑर्डिनेट्स देगा वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले हमें इसमें स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हमारे पास ये फेस है, तो जो हार कास्केड क्लासीफायर है, हार कास्केड क्लासीफायर फ्रंटल फेस के लिए, वो क्या स्ट्रेटेजी यूज करता है, वो स्ट्रेटेजी यूज करता है लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करता है। जैसे यहां से ना वो एक एक पिक्सल देखता है, यहाँ पे पिक्सल देखता है, जहां से ऐसे ऐसे पिक्सल देख रहा होता है, फिर वो यहां से आता है, यहां से आता है, यहां से आता है, तो वो सबसे पहला पिक्सल देखता है कि जहां से फेस स्टार्ट हुआ, जैसे फेस यहां से स्टार्ट हुआ, फिर वो खत्म करता है, 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 ऐसे ऐसे नीचे नीचे आता रहता है, सारे नीचे नीचे, फिर यहाँ पे आएगा, फिर देखेगा ये लास्ट लाइन है जहां पे खत्म हो रहा है फेस। तो ये क्या करेगा, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स है ना एक्स और वाई, ये मतलब कॉलम और रो, मैंने आपको बताया था जो इमेज होती है लास्ट वीडियो में कि ये सारे हमारे कॉलम्स होते हैं और ये सारे हमारे रोज होते हैं। तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट दे देगा x, y, और यहाँ का भी कोऑर्डिनेट दे देगा x1, y1। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे, हमारा जो हार कास्केड क्लासीफायर है वो हमें ये दो कोऑर्डिनेट्स दे देगा। अब हमें जब ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे,
हम इसमें इन दो कोऑर्डिनेट्स में प्लस कर देंगे। अभी रेक्टेंगल बनाना है ना हमें, हम इन दो कोऑर्डिनेट्स में जैसे x है, x में हम प्लस कर देंगे ये वाला x1, x प्लस x1, तो x यहाँ पे है। अब इसमें हम ये प्लस करेंगे x1, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और y में भी प्लस कर देंगे हम इस तरीके से, तो हमारे एक कोऑर्डिनेट यहाँ, दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएंगे और हमारे दो यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारा जब ये चार कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये हमें पाइथन में कैसे करना है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करा, ये है फेस कोऑर्डिनेट, ये हमारे इस वाले से आएंगे फेस कोऑर्डिनेट, मैं दिखाऊंगा कैसे आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, जो हमने ऊपर फेस क्लासिफायर बनाया था, जिसमें हमने हार कास्केड क्लासिफायर डाला है, ये जो हमने फंक्शन बनाया है, इसके अंदर हम करेंगे डिटेक्ट मल्टी स्केल। मतलब ये एक फंक्शन है जो कि इमेज पे चलता है, कि एक कोई भी इसके अंदर इमेज देनी पड़ेगी, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकाल के दे देगा। अब हम यहाँ पे इमेज के अलावा दो चीजें और यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी होती है, पहली होती है स्केल फैक्टर, दूसरी होती है मिनिमम नेबर। तो स्केल फैक्टर मतलब होता है कि ये इमेज, मतलब यहाँ पे हम इसको 1 से ऊपर दे सकते हैं, तो कितना भी ज्यादा हम ऊपर देंगे स्केल करने के लिए, एक तरीके से इमेज को हम साइज थोड़ा घटा दे ताकि जल्दी हो जाए। जब हमारे पास बड़ी इमेज होगी ना, तो हम इस पे स्केलिंग कर देंगे कि थोड़ी इमेज छोटी हो जाए। तो जैसे यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू है, जैसे अगर 1.5 देंगे तो ये ज्यादा टाइम लेगा कंप्यूटर होने में, बट जो हमारा रेट है डिटेक्ट करने का वो बढ़ जाएगा। और दूसरी जो चीज है वो हमारी होती है सेंसिटिविटी, मतलब मिनिमम नेबर्स कितने हैं, तरीके से ना ये सेंसिटिविटी सेटिंग होती है। मतलब हम यहाँ पे जितने भी नंबर देंगे ना, तो ये उतने फेस डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा उस फोटो में से। अगर हम यहाँ पे एक देते हैं तो ये एक ही डिटेक्ट करेगा कि उसमें सबसे, मतलब जैसे काफी एक फोटो है जिसमें 5-6 फेस है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वो डिटेक्ट करेगा अगर यहाँ पे 1 देंगे। अगर हम यहाँ पे 5 करेंगे तो ये मिनिमम 5 ढूंढ के देगा। तो एक तरीके से सेंसिटिविटी सेटिंग होती है। आप ये ना भी देना तो भी ये चलेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शनल फीचर मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्केल फैक्टर और मिनिमम नेबर्स। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास अगर फेस, अब मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि फेस मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं। तो मेरे पास पहले जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं एक्स वाई और x और y, वो है 54, 65, और जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 217, 217। तो मैं आपको बता दूं, जो ये वैल्यू आई है मेरी आई है 56, 64, और ये मेरी वैल्यू आई है 217, 217। अब हमने क्या करें, अब इस कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम रेक्टेंगल बनाएंगे। सबसे पहले तो मैंने एक फंक्शन लगा दिया कि अगर फेसिस में कोई कोऑर्डिनेट्स आए ना, मतलब फेसिस खाली आए, एक ब्लैंक लिस्ट आए, अभी तो हमारे पास एक चार वेरिएबल आए हैं ना हमारे पास, x1, y1, x और y, तो यहाँ पे अगर खाली है तो हमें नो फेस फाउंड क्या देगा। अब यहाँ पे तो आए हैं तो ये नो फेस फाउंड नहीं आएगा, क्योंकि मान लो हमने यहाँ पे एलिफेंट की फोटो डाल दी, कोई और डाल दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि नो फेस फाउंड। अब यहाँ पे आ गया, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चारों वैल्यू डाल दी हमने, फेसिस में कितनी वैल्यू है, चार वैल्यू है, हमने चारों वैल्यू पे अलग अलग वेरिएबल दे दिए, एक्स पे चले, वाई पे चले, वाई पे चले, एच पे चले, एक्स वाई डब्ल्यू एच। तो मतलब जो पहली वैल्यू हो जाएगी एक्स हो जाएगी, ये वाई हो जाएगी, ये डब्ल्यू हो जाएगी, एच हो जाएगी, तो चारों के एक वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, CV2 के अंदर एक फॉर्म वो होता है मेथड, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल बनाएगा, किस पे बनाएगा, यहाँ पे हम दे देंगे इमेज, यहाँ पे हम दे देंगे इमेज। अब इमेज में होते हैं कि कोऑर्डिनेट्स, क्या कोऑर्डिनेट्स देने हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई, जो हमने बताया ही है, यहां से स्टार्ट करना है हमें, यहां से एक्स वाई हो जाएगा। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा ये, तो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा ये एक्स प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, x तो है ही, और w कौन सा है हमारा, w और h, w और h हमारा ये वाला है। x में क्या प्लस कर देगा, w प्लस कर देगा, w इधर चला जाएगा और y में h प्लस कर देगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये मैंने 50 करके देखा था, ये मैं हटा देता हूँ, इसको मैं 50 बताऊंगा बाद में क्यों लगा है हम इसको। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, x प्लस w और y प्लस h, तो ये हमारे हो गए दो कोऑर्डिनेट। इन दो कोऑर्डिनेट्स के अलावा हमारे पास यहाँ पे होता है कलर, कि कौन सा कलर देना है, तो ये होता है RGB, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं इसको कुछ भी सेटिंग कर सकता हूँ। और ये 23 होता है कि थिकनेस क्या देनी है, जो आपको बॉर्डर आएगा उसकी थिकनेस क्या होगी। और ये यहाँ पे एक इमेज शो वाला मैंने फंक्शन बताया था, IM show चलेगा, इमेज शो होगी, और शो कैसे होगी, उसका नाम होगा, जो विंडो खुलेगी उसका नाम होगा मोदी फेस, और जो इमेज होगी, जो इमेज हमने ऊपर कॉल करी हुई है इसमें, ये वाली। तो मैं इसको चला के दिखाया था आपको कि कैसे रेक्टेंगल बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे, ये उसने फेस डिटेक्ट कर लिया है और फेस पे स्क्वायर मार्क आ गया। तो ये मैंने जो ये थिकनेस दी है उसी से आई है, मैं ये थिकनेस चेंज कर सकता हूँ, कितने भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, वैसे जो बहुत थिक कर देता हूँ तो ये इतना मोटा दिखेगा नहीं। तो ये हमारा, तो आपको बताया जैसे कि मैंने लास्ट वाला जो ये है ये थिकनेस के लिए है, और स्टार्टिंग वाला ये हमारा कलर के लिए है, इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब ये CV2 वेट की होता है कि जैसे हम बंद करें, मैंने आपको पहले बताया कि वेट की होता है, जैसे हमने बंद करें तो वो बंद हो जाए, और डिस्ट्रॉय होता है कि जितने भी विंडोज खुली हुई है वो सारे डिस्ट्रॉय कर दे। अब ये तो हो गया फेस डिटेक्ट करने के लिए, अब है आई डिटेक्ट करने के लिए। तो आई के लिए भी क्या होगा, एक आई जो हार कास्ट क्लासिफायर होता है उसको हम आई क्लासिफायर में बुला लेंगे, जैसे हमने फेस क्लासिफायर में बुलाया था। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे कि
हमने ये इमेज ली थी, इस इमेज को चाहे तो हम पहले ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रे स्केल में मैंने बताया आपको एक चैनल होता है और इमेज में हमारा जो कलर इमेज होती है उसमें हमारे तीन चैनल होते हैं, तो कंप्यूटर के लिए कंप्यूटेशन करना बहुत आसान होता है ग्रे इमेज में। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको ग्रे इमेज में करके दिखा दिया है। क्या होता है, CV2 के अंदर एक फंक्शन होता है CV2 कलर, कन्वर्ट कलर, उसमें कन्वर्ट कैसे करेगा इमेज में, और इमेज को कन्वर्ट कर देगा CV2 कलर टू ग्रे। यहाँ पे कलर है इसका मतलब, और यहाँ पे मतलब है ब्लू ग्रीन रेड टू ग्रे। ये अपोजिट भी कर सकता है, जो हमने इमेज इसी में कन्वर्ट करी, अब इसको हम वापस भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब किसमें सेव कर ली, ओरिजिनल इमेज ग्रे में, और कन्वर्ट करके अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने पहले में किया था वैसे मैंने यहाँ पे फेसेस की कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ठीक है, ऐसी मैं यहाँ पे आई के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब मैंने यहाँ पे चलाऊंगा, अब ये मैंने जैसे ऊपर करी थी ये हमारी फेस के लिए हो जाएगी और नीचे वाली हमारी आईज के लिए हो जाएगी। जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो ये मैंने यहाँ पे मार्क ज़ुकरबर्ग का एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये चार, इसकी जो आईज आ रही है वो दो आ रही है, जो रेड वाला है जो मैंने डिफाइन किया वो मैंने किया है इसके फेस के लिए, और जो ग्रीन वाला किया है वो मैंने किया है आईज के लिए। अब यहाँ पे आईज उसकी तीन आ रही है क्योंकि ये भी इसको आईज डिटेक्ट कर रहा है, तो ये हम इसमें सेंसिटिविटी इंप्रूव करके ये कर सकते हैं। बाकी अगर आप बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी और एग्जैक्ट चाहिए तो हमें CNN यूज करना होता है, कंप्यूटर विजन थोड़ा आसान होता है और हमें हायर कैस्केड वगैरह मिल जाते हैं बनाए। तो इसमें भी देखो मैंने क्या किया, हमारे आईज के भी कोऑर्डिनेट्स आए थे, मैं यहाँ पे आईज के प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो ये मेरे आईज के कोऑर्डिनेट्स थे, तीन कोऑर्डिनेट्स आए क्योंकि इसने तीन आईज डिटेक्ट करी है। तो ये हमारा हो गया एक्स वाई पहले वाला और ये वाला हो गया दूसरे वाला, तो इसने वही उसका प्लस करता रहा, एक रेक्टेंगल बनाया और उसमें जो हमने इमेज कलर नाम से सेव करी थी तो इसने इसमें बना रहा है कोऑर्डिनेट्स। और ये हमारा कलर है और ये हमारा थिकनेस है, क्योंकि आई छोटी है तो हमने थिकनेस थोड़ी कम ली है, और इसी तरीके से CV2 वेट की डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और अगली वीडियो में हम करेंगे कि कैसे हम फेस डिटेक्ट करेंगे लाइव कैमरे पे, अगर कोई लाइव कैमरे पे जैसे सामने आ रहा है, जैसे कुछ भी कहीं भी रिकॉर्डिंग चल रही है या कुछ भी चल रही है, उसमें से ये देख लेगा और वहां से ये वीडियो लेगा और वीडियो में से ना फ्रेम कैप्चर करेगा, उस फ्रेम में से फेस डिटेक्ट करके बता देगा और कंटिन्यूअस ऑन द लाइव स्ट्रीम करेंगे हम। अगर ये वीडियो में आपको कुछ समझ आया, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को दिखाओ ये इमेज में क्या होता है और कैसे हम इसको डिटेक्ट करते हैं। सो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, एंजॉय, हैप्पी लर्निंग।